फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं रोशन पंत। आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों पोटैटो एग करी। इसके लिए हमें बॉइल एग चाहिए और जिसे हमें अच्छे से फ्राई करना है बीच का। तो अच्छे से इसे फ्राई करने के बाद आपको इसके ऊपर एग के ऊपर गोल्डन ब्राउन लेयर्स ना हो तो फिर आप इसे अच्छे से फ्राई करना है और अच्छे से इसे ऑयल मिक्स करते रहिए, चलाते रहिए। और दोस्तों इसके बाकी के इंग्रीडियंट्स बहुत नॉर्मल से हैं। नॉर्मल से हम इसमें चॉप टमाटो, चॉप अनियन और चॉप जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली और नॉर्मल से हमारे बेसिक हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर के लिए हम यूज़ करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमने बारीक काटे हुए टमाटर और अनियन और जिंजर गार्लिक और चिली लिए। और दोस्तों ऑलमोस्ट हमारे एग फ्राइड है और हमने मैश्ड पोटैटो भी लिए हैं बॉइल। एग हमारे बॉइल फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल देंगे दूसरे पैन में। और इसी पैन में हम थोड़ा सा जीरा यूज़ करेंगे। जीरे को डालने के बाद हम इसे साथ में लेंगे बारीक कटे हुए जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, साथ में अनियन और अच्छे से हमें फ्राई करना है। कलर के अच्छे से चलाते रहते हुए हमें इसे फ्राई करना है। जैसे मैंने इसमें सरसों का यूज़ किया हुआ है, नॉर्मली सरसों के तेल में अगर आप खाना बनाएंगे तो उसका थोड़ा अलग टेस्ट आता है और हल्दी भी है। तो मैं नॉर्मली अपनी रेसिपीज में सरसों का तेल यूज़ करता हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक हमारे पूरे मिक्सर में मिक्स हो गए और थोड़ा समय तो गन्ने में थोड़ी है आपके लिए, उसके लिए मिक्स कर लेता हूँ। और हल्की लो मीडियम फ्लेम में आपको इसे पकाना है, क्योंकि ग्रेवी जब तक आपकी पूरी अच्छे से टमाटो और हमें मिक्स ना हो जाए और अच्छे से बिल्कुल पक ना जाए तब तक आप ग्रेवी में तेज यहाँ पर जो एग कड़ी है नॉर्मली हमें चाहिए होता है। और देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा आधा टमाटो मैश हो चुका है, थोड़ा बहुत और मैश होना बाकी है। दोस्तों साथ में ऐड करूँगा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी। ये नॉर्मली अवेलेबल मसाले हैं जो नॉर्मली आपके पास अवेलेबल रहते हैं हर टाइम। मैं कोई ऐसा इसमें मसाला यूज़ नहीं कर रहा जो कि जिससे बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो। तो सिंपल सी हमारे मसाले भी रहते हैं हर रेसिपी में और मसाले डालने के लिए अच्छे से इसे मिक्स करना है और तब तक इसे चलाना है जब तक मिक्स हमारा ऑयल ना चाहिए तभी मसालों का टेस्ट आता है। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा टमाटो और मसाला पक चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राइड बॉइल्ड एग। फ्राइड एग बॉइल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। और दोस्तों अगर आपको ग्रेवी को थोड़ा ठीक करना था तो इसमें बॉइल्ड पोटैटो यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने रेसिपी में किया है और उस रेसिपी का नाम ही दोस्तों पोटैटो एग थोड़ी है। और ये बॉइल एग करके इसे मैश करने के बाद अगर आप ग्रेवी यूज़ करें तो ग्रेवी काफ़ी ठीक हो जाती है। तो मैं इस रेसिपी में बॉइल एग भी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें और जो मैश बॉइल्ड पोटैटो मैंने यूज़ किए हैं उसमें ऑयल बॉइल्ड एग डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से जला लेते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसे स्पाइसी करने के लिए थोड़ा मसाले और यूज़ कर सकते हैं आप,
और टाइप के मसाले जो आप ऐड करना चाहते हैं ऑन करने से गर्म मसाला वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम पर गर्म मसाला तो यूज़ नहीं किया, पर मैंने भी अवॉइड किया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आलू हमें डाल चुके हैं सब कुछ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी डाल के हम थोड़ा ग्रेवी को सेट करेंगे इसमें, और मसाले भी जैसे मिक्स हो जाए अच्छे से, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल हाफ बाउल मैंने ऑयल यूज़ किया है, ऑयल डाल देंगे कच्चे हम ग्रेवी में, हमारा एक अलग टेस्ट ये करेगा। तो इसका बॉइल्ड एग भी मैंने, कच्चा एग भी मैंने यूज़ किया हुआ है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा बहुत वॉइस में थोड़ा ब्रेक हो रहा है और कुछ कुछ वर्ड गलत यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों अच्छे से मैंने एक से मिक्स कर लेता हूँ, और दोस्तों हमारी एक कड़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, गार्निश करने के लिए मैंने लिया हरा धनिया, और इसे अब मैं सर्विंग बाउल में सर्व करूँगा हरा धनिया और नींबू के साथ। आप चाहें तो सैलेड इसके साथ रख सकते हैं, और आपसे नॉर्मल तंदूरी रोटीज और बटर रोटीज के साथ और या फिर राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और इसमें मैंने यूज़ किया है दोस्तों घी, जो कि इसमें एडिशनल फ्लेवर का काम करेगा, आप चाहे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैंने घी का यूज़ किया। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हमारी पोटैटो एग कड़ी बन चुकी है, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर मुझे शेयर करें।